मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ड्राइंग में पेज नंबर 16 फिल करेंगे। पेज नंबर 16 पे क्या है? पोटैटो इम्प्रेशन गार्डन। आपको एक ऐसा गार्डन ड्रॉ करना है, मतलब बनाना है, जिसमें आपको जो फ्लावर्स बनाने हैं वो किसकी हेल्प से बनाने हैं? पोटैटो की हेल्प से। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको हम ड्राइंग में भी या पेंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेडी फिंगर है, उसको भी हम कट कर लें तो कट करके एक फ्लावर शेप आती है उसकी, उसको भी हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आज हम देखेंगे कि पोटैटो को किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में कट करके डिफरेंट आर्ट बना सकते हैं। तो हमें आज बनानी है पेज नंबर 16 पे जो आर्ट दे रखी है, वो आपको पेज नंबर 17 पे बनानी है। इसमें आपको क्या लेनी है? दो पोटैटो लेने हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसी पेंटिंग्स देख लेते हैं जो पोटैटो से बनती हैं, ठीक है? आप उन पेंटिंग्स को देखकर घर पर उन पेंटिंग्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यही वाली आर्ट आप करें, ये भी कर लीजिए, और कुछ न्यू समथिंग सीखने के लिए आप उन आर्ट को भी कर सकते हैं। तो चलिए उन आर्ट्स के हम पिक्चर देखते हैं। आप सभी बच्चों को पिक्चर्स अच्छी लगी हो, सो प्लीज ट्राई सम एट होम इफ यू कैन, ओके। आज हमें बनानी है पोटैटो इम्प्रेशन गार्डन। सो गार्डन है तो उसमें फ्लावर्स होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्टेप्स आपको गिवन है, तो आप इन स्टेप्स के थ्रू सीख सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट आप एक पोटैटो लेंगे, या कुछ दो तीन पोटैटो आप ले लीजिए। मैंने एक पोटैटो लिया है, देखिए मैंने एक पोटैटो लिया है और उसको मैंने टू पीसेस में कट कर लिया है। एक पीस ये है और एक पीस ये है, इसको मैंने टू पीसेस में कट कर लिया है, ठीक है? जो भी आप डिज़ाइन चाहते हैं, जिस तरीके का फ्लावर आप चाहते हैं, जिस तरीके की लीव्स आप चाहते हैं, एक पोटैटो के ऊपर आप उन लीव्स को ड्रॉ कर लीजिए और फिर विद द हेल्प ऑफ कटर और नाइफ यू कैन कट इट, ओके? आप कटर की हेल्प से या फिर नाइफ की हेल्प से उसको कट कर लीजिए, ठीक है? तो हमें फ्लावर बनाना है, तो हम एक शेप फ्लावर की कट करेंगे और एक शेप हम किसकी कट करेंगे? लीव्स की कट करेंगे। तो आप इन पोटैटोस के ऊपर एक स्टैम्प के लिए स्टैम्प बना लीजिए एक पोटैटो के ऊपर, और दूसरे पोटैटो पे आप फ्लावर की शेप बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है यही फ्लावर की शेप बनाइए, जो आपको फ्लावर की शेप अच्छी लगे या जो आपसे कर सके, उस आप फ्लावर की शेप उसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? कि इस पोटैटो पे मैंने लीव्स की शेप बना ली है। अब हम क्या करेंगे? लीव वाले पार्ट को छोड़, जो स्टैम्प हमने बनाई है, सॉरी, जो हमने स्टैम्प बनाई है, तो उस स्टैम्प को छोड़कर हम जो भी एक्स्ट्रा आलू का जो पोटैटो का पार्ट है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे, ठीक है? देखिए धीरे धीरे हटाइएगा, बहुत ही सावधानी से अपनी मदद की हेल्प के साथ करिएगा, इसको अकेले मत करिएगा, ठीक है? कटर है, आप कट अपना हाथ भी काट सकते हैं, तो प्लीज़ टू विद योर हेल्प ऑफ मदर। जितना भी रिमेनिंग एक्स्ट्रा पार्ट है, हम उस एक्स्ट्रा पार्ट को इसमें से हटा देंगे, ठीक है? कटिंग करते समय बहुत ध्यान से हटाइएगा। ये देखिए, इसलिए हम एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है उसको हटा देंगे, सो डैट हमारी पेंटिंग अच्छी बने, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट काम है लेकिन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, ये भी हमने हटा लिया, ठीक है? बहुत ही ध्यान से हटाइएगा, मुझे भी हटाने में बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैंने जो लीव्स बनाई है वही नहीं हट जाए मुझसे, तो आप भी बहुत ध्यान से हटाइएगा, ठीक है? और कोशिश करिएगा खुद ही हटाएं,
क्योंकि सीखना आपको है, बनाना आपको है, आप जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसका एक्स्ट्रा। और आप कोई भी स्टैम्प की शेप दे सकते हैं, डजंट मीन कि मैंने ये शेप बनाई है तो यही शेप दें, आपको जो शेप अच्छी लगे या जो शेप आप बना सकें इजीली उस शेप को आप बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको एक्स्ट्रा पार्ट हटाना है क्योंकि हम कलर लगाएंगे इस पर तो कहीं वो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा ना आए। देखिए इस तरीके से मैंने मोस्टली पूरा एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया और मुझे थोड़ा लीव्स की डिज़ाइन बन गई, ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, आप और अच्छे से बना सकते हैं अगर आपसे मेरे से अच्छी बन जाए स्वेटर, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने समथिंग लीव की डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कर ली है और उसको कट भी कर लिया है। अब हम ये हमारा फर्स्ट, हम इस पोटैटो को रख देंगे। देखिए सभी को दिखाई दे रहा है, है ना, ये डिजाइन हमारी बन गई है। अब हम लेंगे दूसरा पोटैटो और उस पर दूसरे डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बुक में जो फ्लावर की डिजाइन दी है वो मैं नहीं बना रही हूँ, कुछ अलग डिजाइन बना रही हूँ। उसके लिए पहले आप इस तरीके से आलू को पूरा कट मत करिएगा, इतना ही कट हो इतना कट कीजिए, फिर उसको यहाँ से इतना कट कीजिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ से इसको कट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर लिया। ठीक है, इतना कट करना है, पूरा नीचे तक कट नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, एक एक पार्ट इसका हटा देंगे। सही, ये हमारे पार्ट्स हमने कट कर लिए, अब हम इस वाले पार्ट को हटा देंगे, इस वाले पार्ट को। ठीक है, ये हो गया ये, देन इस वाले पार्ट को हटा देंगे। बहुत ही ध्यान से हटाइएगा, देखिए इस वाले पार्ट को हम हटा लेंगे। देखिए ये हमारी फ्लावर की शेप हो गई, आप कोई भी शेप का फ्लावर बना सकते हैं, डजंट मीन जो मैंने ही बनाया है वही बनाए। तो ये फ्लावर की शेप हो गई और ये लीफ की शेप हो गई। तो चलिए अब हम अपना पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए आपको अपने वाटर कलर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था वाटर कलर परचेज कर लीजिए, ये आपके इस क्लास में भी काम आ जाएंगे और नेक्स्ट जब आप में आएंगे तो उसमें भी आपको ये वाटर कलर्स यूज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे वाटर कलर्स। अब हमें जो कलर का हम फ्लावर बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर बना लीजिए, जरूरी नहीं है यही फ्लावर बनाए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर बना सकते हैं आप, और सिंगल कलर का भी आप फ्लावर बना सकते हैं। ठीक है, स्टैम्प तो हमें ग्रीन कलर की ही रखनी है, तो ग्रीन कलर स्टैम्प के लिए हो गया और बाकी सारे कलर्स हमारे फ्लावर के लिए हो गए। ठीक है, तो हम पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपको ये स्पेस गिवन है, तो पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी नीचे ग्रास बनानी है, तो हम उसके लिए क्या लेंगे, ग्रीन कलर लेंगे और ग्रीन कलर थोड़ा सा हम ब्रश में ग्रीन कलर लेंगे, फिर थोड़ा हम उसमें वाटर, ब्रश को वाटर में डिप करेंगे थोड़ा फ्लैटनेस लाने के लिए। ठीक है, अब हम ऐसे लेंगे अपना ब्रश और ब्रश से आप नीचे इस तरीके से ग्रास बनाना स्टार्ट कर दीजिए, इस तरीके से आप ग्रास बना लीजिए। ठीक है, देखो और कलर ले लीजिए, थोड़ा ये लाइट कलर है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरीके से हम ग्रास बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट ब्रश से बना रही हूँ, तो आप भी ब्रश से ही ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस तरीके से आप देखिए हमने ग्रास की डिज़ाइन बना ली ब्रश से। अब हम लेंगे जो हमने पोटैटो पे अपनी पेंटिंग बनाई थी उसे हम लेंगे और उस पर हम जो स्टैम्प वाला पोटैटो पीस है ना, स्टैम्प वाला पोटैटो पीस लेंगे और उस पर डार्क ग्रीन कलर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप डार्क ग्रीन कलर लीजिए और ब्रश की हेल्प से जिस जिस पार्ट पर आपको लगाना है इस पार्ट पर आप इस तरीके से, ज़्यादा वाटर इसमें ऐड करना नहीं क्योंकि ऑलरेडी आलू अंदर से गीला होता है, तो हम इस तरीके से इस पर पेंट लगा लेंगे। ठीक है, देखिए इस
देखें, सलीके से हमने पूरे पोटैटो पर स्टैम वाले पार्ट पर क्या लगा लिया, कलर। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पोटैटो को हम पहला फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये पेंट कर लिया, इस पर लगा लिया। अब हम इस तरीके से अपने पोटैटो को रखेंगे और उसको हेल्प से, हाथ की हेल्प से थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे। क्या करेंगे हम, प्रेस प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी शेप है वो हमारी कॉपी पर बनकर आ जाएगी। देखिए लीफ बन गई हमारी। इसी तरीके से हम और बहुत सारी लीव्स ये स्टैम्प बना लेंगे। ठीक है, देखिए आप थोड़ा कलर और लगा लीजिए उसमें, ताकि क्योंकि हमने अभी लगाया तो वो सूख गया होगा। अब हम दूसरी स्टैम्प बनाएंगे। देखिए आपको थोड़ा बस पोटैटो रखना है और जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड जस्ट यू हैव टू प्रेस। ओके, थोड़ा सा आप प्रेस करिए, आपकी ड्राइंग इस पर बनकर आ जाएगी। ठीक है, देखिए लीव्स बनकर आ रही है ना, कितनी प्यारी लीव्स लग रही है ये। कटिंग तो हमारी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन लीव्स ज़्यादा अच्छी बन रही है ना। स्टैम्प बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि अब वो सूख गया, और कलर हम लगा लेते हैं ब्रश की हेल्प से। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर फ्लावर के स्पेस छोड़ कर यहाँ पर ऊपर बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप ऐसा प्रेस कीजिए, उसको आप प्रेस करेंगे तो पेंटिंग आपकी इस पर आ जाएगी। ठीक है, साथ एट फ्लावर बना सकते हैं, फोर नीचे फोर ऊपर। ठीक है, कलर आपका अगर प्रिंट डार्क नहीं आए तो आप अपना कलर और लगा लीजिए। देखिए मैं तो लगा लेती हूँ बीच में, बार बार आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगा लीजिए। और उस तरीके से हमने अपनी सारी स्टैम्प ड्रॉ पेस्ट करके प्रोटेक्ट। आप बहुत सारी डिजाइन बना सकते हैं, जिस शेप में आप, जिस शेप की आप आलू के ऊपर डिजाइन कट कर लेंगे उस शेप के आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारी स्टैम्प बन गई। अब लेंगे हम अपना फ्लावर वाला पार्ट। ओके, फ्लावर बनाने के लिए मैं फ्लावर वाले पीस पर जो मैंने फ्लावर कटिंग की थी उस पर मैं रेड कलर लगा लेती हूँ। ठीक है, आप कोई भी कलर के फ्लावर बना सकते हैं, इट्स योर ओन विश विच फ्लावर डू यू लाइक। ओके, देखिए मैंने रेड कलर लगा लिया। अब हम जिस तरीके से हमने स्टैम्प बनाई थी उसी वे में हम फ्लावर बना लेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको रखिए और इस तरीके से रखिएगा, रखा आपने और जस्ट थोड़ा सा प्रेस कर दिया। ठीक है, प्रेस कर देंगे तो हमारा ये फ्लावर बनकर आ जाएगा। पूरी कलरिंग नहीं आ रही तो थोड़ा अच्छे से प्रेस कीजिए तो पूरी आ जाएगी। ठीक है, नीचे फ्लावर्स बन गए, अब मैं ऊपर बनाती हूँ। तो थोड़ा सा हम रेड कलर लगा लेंगे इसमें। ठीक है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे आप पोटैटो रखिए और थोड़ा सा उसको अपने फिंगर से प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, आज जरूरी नहीं है स्पिन, ये हमने ऐसे फ्लावर यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ये लाइट लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा रेड कलर लगा कर उसको डार्क कर लेते हैं। देखिए हमारी पोटैटो पेंटिंग बिल्कुल रेडी है, हमने इसमें जो भी पोटैटो से हमें वर्क करना था वी हैव फिनिश्ड। ओके, अब मेरे पास थोड़ा सा ग्लिटर है तो बीच में मैं थोड़ा सा ग्लिटर लगा दूंगी। आपके पास ग्लिटर नहीं है तो आप कोई भी कलर बीच में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा राउंड शेप में लेकर राउंड शेप बना लीजिए, बीच में होता है ना फ्लावर के गोल गोल, तो इस तरीके से मैं ब्रश की हेल्प से यहाँ पर गोल गोल बना लेती हूँ। ठीक है, देखिए ओके, दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा आपको, बट मैंने यहाँ पर ये सिल्वर ग्लिटर से बीच में राउंड बना दिए हैं।
ठीक है। ये हमारी पेंटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये पेंटिंग बन चुकी है। अब आप इसी तरीके की पेंटिंग अपनी ड्राइंग बुक में आपको बनानी है। ओके, तो आज आपको बुक में क्या करना है, पेज नंबर 17 फिल विद द हेल्प ऑफ पोटैटो। ओके, तो आपको पोटैटो की मदद से इस पेंटिंग को कंप्लीट करना है। ओके एवरीवन।